हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज दिन है बुधवार और तारीख है 11 नवंबर। और देखिए, पूरी जोरों शोरों से है जो हम लोग क्लीनिंग में लगे हुए हैं। प्रीति का बेडरूम क्लीन हो चुका है, स्टोर रूम भी उधर क्लीन हो चुका है, चिंकी का कमरा भी हो चुका है क्लीन, और अभी यहाँ पर बैठी हूँ मैं गुड्डू के रूम में। तो देखिए, गुड्डू ने कितने अच्छे से अपने कमरे को जो है डेकोरेट कर दिया है। हमने यहाँ की क्लीनिंग कर दी थी और गुड्डू ने बोला था कि मम्मी, मैं अपना सामान जो है खुद से ही सेट करूंगी अपने तरीके से, कुछ सामान मुझे फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, गुड्डू ने अपने सामान को कितने अच्छे तरीके से लगाया है। और गुड्डू का टेबल लैम्प दिखाते हैं अभी। और ये देखिए, गुड्डू ने जो है एक टेबल लैम्प बनाया है और अपने कमरे में रखने के लिए बोल रही है, दीपावली के उपलक्ष्य में ये मैंने बनाया। मैंने कहा ठीक है। और देखिए, ये रख रखा है इसने बास्केट में, इस वाली में। और गुड्डू अपने सामान को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है, किसी भी चीज़ को अपनी खराब नहीं होने देती है। लेकिन अब की बात क्या हुआ कि उसकी बुक्स पर मैंने कवर नहीं लगाए हैं। देखिए, मुझे एक तो टाइम नहीं मिल पाता है, वीडियो बनाना होता है, एडिट भी करना होता है, घर के भी काम होते हैं, छोटे बच्चे भी साथ में हैं, और जबकि हम दोनों देवरानी जेठानी जो है पूरे काम में लगे रहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी हम लोग पूरा दिन भर जो है रेस्ट नहीं करते हैं। आंखें देखे कितनी सूजी सूजी सी लगती है। और आप बोलते भी हो कि आप अपनी नींद पूरी किया करो, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें निभाना भी जरूरी है। और ये देखिए, ये स्लेट जो है गुड्डू ने यहीं पर रख दी है, जितना पढ़ने का सामान है। और चिंकी ने अपनी बुक्स जो है दूसरे वाले रूम में रख रखी हैं, जहाँ पर माता जी सोती हैं आरुषि को लेकर। और ये कमरा सेट हो चुका है। और अभी जो है आपको दिखाते हैं प्रीति वाला रूम। तो देखिए कितना चमक रहा है आज कमरा, एकदम पूरा क्लीन हो चुका है। ये कपड़े जो हैं अभी सूखे हुए कपड़े यहाँ पर इकट्ठे करके रख दिए थे, ताकि जो है हम थोड़ी देर बाद इनकी तह बनाएंगे। और प्रीति, आज कैसा लग रहा क्लीनिंग करके? बहुत साफ लग रहा है। प्रीति बोलती है भले ही वहां, मतलब जैसे हमने अपने सेकंड फ्लोर को साफ किया था ना, तो प्रीति बोल रही थी कि देखो कितना खाली खाली सा लग रहा था। हालांकि वहां से हमने कुछ नहीं हटाया, लेकिन झाड़ू लगाने से इसे इतना खाली लग रहा था बहुत ज्यादा। कल बोल रही थी, और पूरा दिन में जो है जब जैसे हम सुबह से उठते हैं तो थक तो जाते ही हैं शाम तक। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और प्रीति जो है ये बेडशीट डाल रही है, और गद्दे भी उसने धूप में डाले थे थोड़ी सी धूप लगाने के लिए। और ये देखिए, ये भी आज हमने चमका दिए हैं, रगड़ रगड़ कर हाथों से दोनों दिन। हाथ तो दुखेंगे ही हमारे मगर शाम को, लेकिन साफ सफाई पूरी एकदम बढ़िया होगी अपने घर की। और इन कपड़ों की देखिए, कितने सारे कपड़े धुलते हैं हम लोगों के, पूरी फैमिली के। मेड लगानी पड़ेगी थी क्या? मेड प्रीति बोलती है, मैंने कहा मेड लगा लेते हैं। एक तो प्रीति बोलती है कि 2 दिन में मेड नहीं रुकने की हमारे घर में, जिस तरीके से मतलब हमारे घर के काम हो, पोचे के, कपड़े के, बर्तनों के, एक काम में थक जाएगी कहने लगी, इनका तो सारा दिन बर्तन ही साफ करने पड़े। और हम लोगों को आदत बन चुकी है अपने घर के कामों को करने की अपने तरीके से, क्योंकि हम लोगों का सुबह उठना जो होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और नंदनी उठ चुकी है, उसे ले रही है अभी गुड्डू उस वाले रूम में। तो हमारा एक कमरा, एक मेरे वाला बेडरूम और जो है किचन, वो रह गए हैं। किचन में अभी हमें जो है वो बर्तन का स्टैंड है वो भी लगवाना है, हैंगर लगवाने हैं, चम्मचों वाले चम्मच जो हमारे चमचे हैं सब चीजों के, उनके हैंगर लेकर आए थे कल पाल साहब, तो वो भी लगवाने हैं। और देखिए, चिंकी ने भी अपने कमरे को कितने अच्छे से मतलब एकदम डेकोरेट किया है। यहाँ पर ये घोड़े रख दिए हैं, नीले घोड़े, जय जारवी बाबा की। और ये बुक्स हैं चिंकी की, और यहाँ पर एक हनुमान जी की तस्वीर है। ये मूर्ति काफी पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की, मतलब बहुत संभाल के रखती हूँ हर चीज को। देखिए, मेरे ताऊ जी का बेटा लेकर आया था मेरी शादी में ये मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति है ये हनुमान जी की। और मैंने इसके ऊपर जो है पन्नी चढ़ाकर इसको कवर कर रखा है, तो सेफ्टी से इसे रख रखा है मैंने अभी तक भी। देखिए 12 साल हो गए हैं पूरे। और यहाँ पर एक डोल रख दी है, और हमारा पाल फैमिली का जो है सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, लेकिन हमने ओपनिंग नहीं की है, क्वारंटीन करके उसे 15 दिन से रख रखा है। तो जब पूरी फैमिली इकट्ठी होंगे तो तब उसका हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो देखिए, ये कमरा क्लीन हो चुका है एकदम, और घर अच्छा लगता है साफ सफाई होने के बाद में। डेली की तो हम क्लीनिंग कर देते हैं, और जो डीप क्लीनिंग होती है उससे गंदगी अलग से निकलती है। और देखिए, ये यहाँ पर इसने अपनी एक चारपाई पर जो है बिस्तर डाल दिया है शाम के सोने के लिए। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, शोर बहुत ज्यादा है, आवाज भी आ रही है। और एक पानी की बोतल यहाँ पर रखी हुई है, ये देखिए इस मैडम ने भी पानी की बोतल जो है
रख रखी है, बच्चे बहुत सारे हैं, पड़ोस के बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे हम लोग जो है, प्रीति बोल रही है कि दीदी कल धनतेरस है तो कल आपको मार्केट जाना पड़ेगा कुछ सामान लेने के लिए, इस कमरे की क्लीनिंग भी आज ही कर देते हैं, किचन की कल कर देंगे क्योंकि वहां पर ट्रेवल मशीन से जो है वो स्टैंड हमको लगवाने हैं। मैंने कहा चल ठीक है अभी कर लेते हैं, क्योंकि खाना जो है माँ बना रही है, माँ बोल रही है चलो कर दो, क्योंकि माँ भी समझती है कि छोटे बच्चे का साथ है तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और आज मैंने पूरा दिन कोई वीडियो नहीं बनाया है, सुबह के टाइम पाल फैमिली के लिए थोड़ा सा बनाया था, पता नहीं आज पूरा भी हो पाएगा या नहीं, सोचा फिर यूपी व्लॉगर पर भी आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि खाना भी हजम नहीं होता है आप लोगों से बातें किए बिना। और पूरा दिन मतलब मौज मस्ती, कभी काम साफ सफाई में लग जाते हैं, कभी बच्चों के चक्कर में, कभी खाना, कभी चाय, बस इस तरीके से ही पूरा दिन हम लोगों का निकल जाता है। और ये कैप मैंने सुबह लगाई थी लेकिन अभी तक नहीं उतारी है, अभी ठंड का टाइम हो चुका है और 7:30 बज चुके हैं। अब माँ जो है खाना बनाएगी, हम लोग सबको देंगे, और माँ की हेल्प कर रही है अभी प्रीति, क्योंकि हमने अपने काम को थोड़ी सी देर के लिए स्टॉप कर दिया है। हो जाता लेकिन बीच बीच में हम लोग जो है कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो इसलिए आज ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम दोनों की प्लानिंग थी, मेरी और प्रीति की, कि आज इस काम को जो है नीचे की क्लीनिंग को जो है एक दिन में हमें खत्म करना है, बस किचन रह जाएगी। वैसे हो गई है, बरामदे की भी हो गई है और कमरा रह गया है ये वाला। अभी उसके सिरहाने में माँ ने आज जो है सुबह मिट्टी का तेल और देसी तेल लगा था, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा दिमक लग गई थी, वाइट वाइट सा जो है बरुद्दा सा निकलता था, आटा सा झड़ता रहता था, तो उसमें आज उन्होंने मिट्टी का तेल लगा दिया है, उस पर धूप भी लगा दी है, उसे वहीं पर सेट कर दिया है। लेकिन बेड जो है अभी तक हम लोगों ने सेट नहीं किया है, वो एक साइड से खिसका रखा है, वहां पर पोछा लगाएंगे, साफ करेंगे। मैंने बेड को एक साइड में सेट कर दिया था ताकि उधर बच्चा ना गिरे कोई भी अलमारी की साइड में, क्योंकि डर लगता है, छोटे बच्चे हैं हमारे पास में, ये खेलते कूदते रहते हैं बेड पर और जैसे जंप करते हैं तो बहुत ऊंचाई पर उछलते हैं एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है गिर ना जाए, तो इसलिए मैंने बेड को जो है दीवार में मिला रखा है। आपसे बहुत सारी बात कर ली, आपको पका दिया मैंने। हेलो, तो देखिए ये बोल रहा है मम्मी अपनी वीडियो स्टॉप करो, हम लोग खेल रहे हैं। देखिए भाई मैंने इसे कौन सा डिस्टर्ब कर दिया, इसे तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। हेलो बोलो। और देखिए सूज निकाल दिए हैं, देखिए मुझे शिकायत मिलती है कि आप आरुष को सूज नहीं पहनाते हो, टोपा नहीं उड़ाते हो, दोनों बहन भाइयों को। ये देखिए सूज अभी ने उतार दी है एकदम से, और अभी ये भी उतार देगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये ड्यूटी लगी रहती है हम लोगों की, इन्हें सूज भी पहनाने हैं, सॉक्स भी। ये देखिए ये भी उतार रही है, और कैप भी जैसे तैसे करके पता नहीं बड़ी मुश्किल से पहनी होगी इसने। तो आप क्या कर रहे हो अभी, बैठते नहीं पे? हाँ इन पे तो जैक करते हैं आरुष, सही है आरुष बता रहा है, इन पे जैक करते हैं हम। चलो मैं हाँ चलो वहाँ रख दो इस पे। और देखिए ये दूसरी चारपाई पर जा चुका है, और जैसे जैसे संगवाया है चिंकी ने वो इन्हें सही करने वाली है, क्योंकि अगर उसके कमरे में एक भी सामान इधर उधर हो जाए तो ये देखिए वो इन्हें दोनों बहन भाई वो सही कर देगी थोड़ी ही देर में। ये बोलेगी क्यों छुआ तुमने, क्यों छुआ मेरा सामान। आरुषी हेलो बोल दो। हेलो। हेलो जी। तो चलिए इन दोनों की तो सैदानी पूरा दिन चलती रहती है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको मेरी राम राम। वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। हाँ मिलते हैं अपनी तो ये एंड नहीं करने देगा, देखो भाई लोगों ये एंड नहीं करने देगा वीडियो का बिल्कुल भी, क्योंकि ये एंड करने में ही डिस्टर्ब करता है मुझे, तो ये बोलता है कि अभी नहीं एंड करो, अभी नहीं एंड करो बिल्कुल भी। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको हमारी राम राम। राम राम कैसे करते हैं, ऐसे करो जल्दी से हमारी सबको राम राम।